हेलो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमडलू में तो देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी रिलीज हो रखी है वैसे ये टाइम टेबल में था ही पहले से ही ये रिलीज किया गया था कि मार्च के मिड मार्च में जो है सिलेक्शन पोस्ट के लिए ठीक है फेज एलेवन सलेक्शन पोस्ट ये एक अलग से वैकेंसी निकलती है एस एस एसएससी की ओके okay, बहुत सारे पोस्ट है इसमें टोटल जो वैकेंसी निकल रखी है वो निकल रखी है पांच हजार तीन सौ उनसत्तर फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी नाइन और बहुत ज्यादा वैकेंसी है कम्पेयर टू लास्ट ईयर और इसका सिलेबस जो होता है ना बच्चों वो आ, नॉर्मल सिलेबस होता है आज सच कुछ नहीं मतलब जो आप पर्टिकुलरली अभी प्रिपरेशन कर रहे हो ना वही चीज को थोड़ा सा अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा तो जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ ना कि एक साथ बहुत सारे फॉर्म फिलअप नहीं करने चाहिए वहां पे मैं ये कहूँ कि अगर आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो फॉर्म आपने फिलअप करना ही है ओके अब देखो सारे कुछ यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं फेज एलेवन सेलेक्शन पोस्ट एडवर्टाइजमेंट जो है छह मार्च दो को रिलीज हो रखा है और इसका लास्ट डेट जो है वो सत्ताइस मार्च दो है हालांकि आप जो है पेमेंट जो है ऑनलाइन फी पेमेंट वो 28 मार्च 2023 तक कर सकते हो ओके okay, तो ये सारी चीज़ें हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि छः मार्च तो अभी चला गया तो कंसीडर कर लो कि सात मार्च से लेकर आपके पास ट्वेंटी एथ ऑफ मार्च तक यहाँ पे टाइम है और अगर चालान के चालान भी भरना है आप लोगों को चालान के द्वारा अगर पेमेंट करनी है तो ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च तक यहाँ पे टाइम दिया गया है कुछ इस तरह से यहाँ पे पूरा जो है टाइमलाइन प्रोवाइड की गई है अब आगे इसका एग्जाम जो है देखो बच्चों इसका एग्जाम होने वाला है आपका जून जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी में ट्वेंटी जून जुलाई में कहा जा रहा है और ये जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का जो वैकेंसी आता है ना इसमें क्या होता है कि हर एक डिपार्मेंट की, हर एक एक डिपार्टमेंट के रीजन की अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज होती है जैसे आपका वेस्टर्न रीजन हो गया आपका नॉर्थ रीजन हो गया नॉर्थ वेस्ट रीजन हो गया तो ऐसे अलग अलग रीजन आप जहाँ पे बिलोंग करते हो उस रीजन के लिए आपने इसकी जो है फॉर्म फिलअप करना चाहिए ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है क्योंकि देखो वही सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं ना वही आप लोगों को वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करना है मैं सिलेबस भी दिखाऊंगी आप लोगों को और हाँ वन मोर थिंग टेलीग्राम ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए इससे क्या होगा कि ये जो पूरी फुल नोटिफिकेशन है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी और जो भी कुछ अपडेट है मैं वहाँ पे तुरंत देती रहती हूँ वीडियो बनाने से अच्छा मुझे वहाँ पे दो मिनट में ही वॉइस मैसेज प्रोवाइड करना अच्छा लगता है तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना अब आगे देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है देखो मैंने पेजेस पे सारा कुछ मार्क कर रखा है और एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो एज लिमिट जो है हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है ऐसा नहीं है कि सारे पोस्ट के लिए एज लिमिट एक ही रखी गई है नो no, हर एक पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग रखी गई है कहीं कहीं अठारह से लेके पच्चीस साल कहीं अठारह से लेके ट्वेंटी सेवन ईयर कहीं अठारह साल से लेके तीस साल तक ऐसा एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है और जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो फर्स्ट जैन ट्वेंटी से काउंट किया जाएगा और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या आप लोग जो अभी फाइनल ईयर में है क्या वो बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो देखो फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोवाइड किया गया है पॉइंट तो बहुत बड़ी है एक्चुअली ये जो नोटिफिकेशन है, वो 135 की है तो, तो, तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है क्वालिफिकेशन की बात हो रही है तो तो आपका 2023 को जाएगा। और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाला जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपके 27 मार्च 2023 से पहले पहले रेडी हो जाने चाहिए 27 मार्च 2023 को भी रेडी होते हैं तो इट विल बी ग्रेट अगर आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है ट्वेंटी एथ ऑफ मार्च को तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ओके और किसी का भी रिजल्ट नहीं आता है मार्च मंथ में तो जो भी अगर फाइनल ईयर में है तो जून जुलाई में आता है सब लोगों का रिजल्ट है ना अगस्त अगस्त के आसपास कुछ रिजल्ट आता है तो जो फाइनल ईयर में है वो तो नहीं मुझे लगता कि यहाँ पे कर पाएंगे मैं इंजीनियरिंग के बच्चों की बात कर रही हूँ बाकी अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट के हैं और उन लोगों का रिजल्ट सत्ताईस मार्च से पहले पहले आ जाता है तो यू आर मोस्ट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ओके नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या है देखो बहुत सारी वैकेंसीज है और बहुत बढ़िया वैकेंसी है आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करना चाहिए कैसा पढ़ना है क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगी अप्लीकेशन फीस की बात यहाँ पे देखी जाए तो फीस जो है वो हंड्रेड रुपीज रखी गई है ठीक है हंड्रेड रुपीज रखी गई है लेकिन वुमन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं होती एस एसटी कैटेगरी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं होती है फॉर्म जो है आप फ्री में फिलअप कर सकते हो ओके एंड या अट्ठाईस मार्च तक आपको ये फॉर्म फिलअप करना है ये बात की जा रही है यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखो सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन और एक बात जैसे हमारी एस एस सी है या सी एच एस एल है तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो एग्जाम सेंटर्स जो आते हैं ना जहाँ पर हम हैं नॉर्मली जहाँ जिस सिटी में आप हैं वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर आ जाएगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है ये रीजन वाइज जैसे मैं कहूँ कि हमारा जो महाराष्ट्र रीजन है ठीक है मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ तो महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है ना वहीं पर इसका सेंटर आता है ऐसा नहीं कि हर दूसरे सिटी में इसका सेंटर आ रहा है तो आप लोग देख ना आपके हिसाब से और सेंटर भी जो है सेंटर के लिए भी आप लोगों को प्रेफरेंस पूछा जाता है कि सबसे पहले सेंटर कौन सा आप चाहते हो दूसरा तीसरा ऐसे तीन प्रेफरेंस आपको पूछे जाते हैं फॉर्म फिलअप के समय तो उस हिसाब से जो है आप वहाँ पे प्रेफरेंस दे देना जो भी आपके नजदीक पड़ता है आपके गांव से वो आप प्रेफरेंस दे सकते हो जैसे अगर मैं कहूँ कि महाराष्ट्र के लिए मेन मेन ही है यहाँ पे जैसे देखो वेस्टर्न रीजन में आता है ना ये सब कुछ वेस्टर्न रीजन दादर नगर हवेली दमन एंड दीव गोवा गुजरात एंड महाराष्ट्र तो इसमें आपका आ रहा है अहमदाबाद औरंगाबाद मुंबई नागपुर नासिक पुणे तो यहाँ आप देख रहे हो कि दादर नगर हवेली गुजरात के लिए बस अहमदाबाद ही एक है जो सेंटर यहां पे प्रोवाइड किया गया बाकी कोई सेंटर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया वेर इज हम अगर महाराष्ट्र के साथ कंपेरिजन करें तो एक दो तीन चार पांच ऐसे सेंटर प्रोवाइड किए गए लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है ऐसा नहीं की महाराष्ट्र का हर एक बच्चा जो है यहाँ पे जा ही सकता है या फिर उस टाइम पे यू नो कुछ अवेलेबिलिटी हो सकती है उस बच्चे को तो पूरा कुछ समझ के ही आपने इसको फॉर्म फिलअप करना चाहिए और ये औरंगाबाद तो नजदीक नजदीक है मुंबई पुना हाँ हो सकता है कि दूर दूर हो बट बाकी मुझे लगता है कि नागपुर नासिक और औरंगाबाद जो है सारे बच्चों के लिए पास पास ही है ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये इंपॉर्टेंट है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कुछ इस तरह से है जनरल इंटेलिजेंस जनरल अवेयरनेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज तो जनरल इंटेलिजेंस हर एक जो आपका सब्जेक्ट है उसके पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन आएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए दो मार्क्स इस हिसाब से हर एक सेक्शन में फिफ्टी मार्क्स और टोटल टू हंड्रेड आपका सॉरी टू हंड्रेड का आपका जो है पूरा टोटल पेपर होगा टू हंड्रेड मार्क्स का और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है जीरो पॉइंट फाइव जीरो की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है और जो ये सिलेबस है सेम वही सिलेबस होता है कुछ नहीं आपका थोड़ा सा क्या कर, कर दिया जाता है अगर मैट्रिकुलेशन पे है टेंथ स्टैंडर्ड पे अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपका जो पेपर होगा थोड़ा इजी लेवल पे आएगा अगर टेंथ प्लस टू का टू पे अगर उस वैकेंसी के लिए फिलअप कर रहे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा और ग्रेजुएशन के लिए और थोड़ा हार्ड हो जाएगा बस दैट्स इट नथिंग एल्स ओके तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों को यहाँ पे और एक बात बता दू आप लोगों ने अगर जनरल अवेयरनेस के लिए आपको डर लग रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है मेरा जो आपको बुक मिल जाएगा जनरल अवेयरनेस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां से जाके चेकआउट कर लेना परचेस कर लेना और उसको अगर आप तीन बार भी पढ़ लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे क्योंकि इसमें जो भी कंटेंट है मेरा जो बुक में कंटेंट है मैंने इसी तरह से पूरा रिसर्च करके ही पढ़ाया है कि सारे एग्जाम्स में वो सारा कुछ कवर हो जाए और आने वाले टाइम में ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का जीके का बुक भी मेरा जो है रिलीज होगा फिलहाल मैंने उसको लिखना शुरू नहीं किया है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन बट हाँ मैं अभी शुरू कर रही हूँ तो वो जल्दी से जल्दी भी मिल जाएगा आप लोगों को ओके okay, अब देखो सिलेबस तो कुछ इस तरह से आप लोगों को मिल गया मेट्रिकुलेशन लेवल जनरल इंटेलिजेंस के लिए ये सारा कुछ सिलेबस दे रखा है रीजनिंग में जनरल अवेयरनेस में भी आपको सिलेबस दे रखा है क्वान्टिटी एप्टीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज ये सब कुछ तो ये प्रोवाइड किया जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज जाकर एक बार देख लेना अच्छे से पढ़ लेना

देन दिस इज ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल के लिए तो थोड़ा यहां पे जो है टॉपिक्स बढ़ जाते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है थोड़ा पेपर आपका हार्ड हो जाएगा ओके तो ये मिल जाएगा आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे देख लेना आ, ये हो गया देन अभी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है एज लिमिट की भी बात कर ली मैंने अब देखते हैं वेट थोड़ा कैसे है ना ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है मतलब सारी चीज डिटेल में दे रखी हाउ टू अप्लाई एंड ऑल तो कहीं पर भी किसी भी तरह के कंफ्यूजन का स्टेट नहीं रखा है इस वजह से डॉक्यूमेंट थोड़ा बड़ा हो जाता है ओके okay. तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है और हाँ वन मोर थिंग अगर आपने कहा कि मैं 10th लेवल पे फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ uh, है ना जैसे मैं टेंथ पे भी फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ ट्वेल्थ पे भी फॉर्म कर सकता हूँ और ग्रेजुएशन लेवल पे भी फॉर्म कर सकता तो क्या मैम मुझे बस एक ही एग्जाम देनी होगी या अलग अलग एग्जाम देने होंगे तो ध्यान रखिए आपको अलग अलग दिन अलग अलग एग्जाम्स देने होंगे क्योंकि कैटेगरी वाइज भी आप डिफरेंट दे रहे हो तो इस वजह से क्या ये ऑल ओवर द इंडिया आप वैकेंसी फिलअप कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर महाराष्ट्र से बिलोंग बिलोंग करते हो तो सिर्फ वेस्टर्न रीजन में ही फॉर्म फिलअप करो नहीं आप कहीं पर भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो और बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे देखो आपके पोस्ट है जैसे कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिसकी एज लिमिट रखी गई है 18 से लेकर 30 साल तक मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 साल ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए देन गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर चा, टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी एंड असिस्टेंट फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर कैंटीन अटेंडेंट हिंदी टाइपिस्ट ठीक है तो यहाँ पे ये ये जो एक्चुअली वैकेंसी है ये हेल्पफुल क्यों करती है सारे बच्चों के लिए क्योंकि आपको आपके ग्रेजुएशन के हिसाब से ठीक है आपको आपके ग्रेजुएशन के हिसाब से कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है बस वो चार सब्जेक्ट पढ़ लिए दैट्स इट ठीक है ऐसा नहीं है जैसे कोई अगर कोई डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकल रही है तो डिपार्टमेंटल अगर वैकेंसी निकल रही है तो आपको क्या होता है पता है आपको वो भी चीजें पढ़नी पड़ती है जो आपकी ना इंपॉर्टेंस उस रिलेटेड है तो यहाँ पे देखो दो स्टेज में आपका एग्जाम होता है और कहीं कहीं स्किल टेस्ट भी मांगी गई है एक तो आपका सीबीटी वन होगा और जो टाइपिस्ट लेवल के है ठीक है जो टाइपिस्ट जैसे हिंदी टाइपिस्ट वगैरह है या जैसे जो क्लर्क लेवल के वहाँ पे स्किल टेस्ट होगी और अगर आपका टाइपिस्ट लेवल का कुछ भी नहीं है तो सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा जाएगा ठीक है तो वो एक बार आप प्लीज चेकआउट कर लेना जिस भी एग्जाम आप जिस भी वैकेंसी के लिए आप इलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए प्लीज आप एक बार देख लेना और आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम माक्जिनुंस फॉर्म फिलअप करना जो भी वैकेंसीज है पोस्ट के लिए अगर आप इलिजिबल हो तो फॉर्म जरूर फिलअप करना जैसे अगर आपकी एज है तो टेंथ लेवल के सारे फॉर्म आपने फिलअप करने ही है और ट्वेल्थ लेवल के भी करने अगर आपने टेन प्लस टू भी कर रखा है तो भी करो और ग्रेजुएशन तो आप लोगों ने कर ही रखा होगा तो ग्रेजुएशन लेवल के सारे पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है ओके तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे और भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है आप लोगों को तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए मैं आप लोगों का वहां पे डाउट क्लियर कर दूंगी बट ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इसको जाने मत दीजिए जून जुलाई ज्यादा दूर नहीं है अभी आ जाएगा जून जुलाई तो अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आप सीरियस हो इसके लिए तो और एक बात मैं ये भी बता दू इसका रिजल्ट जो है वो इकट्ठा नहीं लगता है अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग पोस्ट के हिसाब से इसका रिजल्ट लगता है जैसे पिछली बार अगर आप दो के एग्जाम की बात करोगे तो उसके रिजल्ट जो है अभी अभी डिक्लेयर भी हो रहे हैं जैसे नॉर्थ रीजन का थोड़ा सा लेट लगता है वेस्टर्न रीजन का बहुत जल्दी लग जाता है रिजल्ट और ठीक है तो इस तरह से सीन चलता है यहाँ पे तो आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो एक तरह से बैकअप प्लान ठीक है अगर आप किसी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो ठीक है सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सीजीएल तो ये मेन मुद्दा हो गया आपका मेन एग्जाम हो गया लेकिन बैकअप में आप इस फेज 11 को भी आपने देखना है ठीक है तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में इतना प्रेशर नहीं होगा यार बस अगर मेरा सीरियल का नहीं हुआ होगा तो नहीं सोचना है लेकिन अगर मेरा नहीं होता है तो मैं क्या करूंगी ना तो फेज जो इलेवन है वो संभाल सम्भालेगी आप लोगों को ओके होप्सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है और मुझे कुछ बताते समय गलती हो रखी है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग रेक्टिफाई कर सकते हो और मैं उसके उसके बारे में देखूंगी एंड या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और या थैंक यू सो मच फॉर वचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल शेयर दिस दिस वीडियो वीडियो लाइक थैंक यू